नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई हवाई यात्रा के बारे में। जी हाँ, चाहे आप इंडिया से इंडिया में हवाई यात्रा कर रहे हैं या फिर इंडिया के बाहर किसी भी देश में हवाई यात्रा कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोई भी आप मान सकते हैं। इसमें हवाई सफर के लिए डीजीसीए ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आप सबको पता नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके साथ क्या क्या हो सकता है उस डिटेल पे हम बात करेंगे। जी हाँ, बता दूं कुछ पॉइंट है, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो देख लीजिए भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करें पैसेंजर, यानी आप एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो मास्क के बिना एयरपोर्ट के टर्मिनल पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जी हाँ, यानी एयरपोर्ट का जो फर्स्ट गेट होता है वहां आपका नॉर्मल पासपोर्ट चेक करके अंदर जाना होता है, वहां पर भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी मास्क द इम्पोर्टेंट, समझ गए बात को। सेकंड में अगर बात करें तो फ्लाइट में मास्क नहीं लगाने पर विमान से उतार दिया जाएगा। जी हाँ, बड़ी बात है ये, आप अंदर बैठे हैं आपको पता है, वो अंदर जाने के बाद कौन मास्क लगाता, आपने सबने देखा होगा, विमान से उतारा जा सकता है। जी हाँ, नियम नहीं माने तो हवाई यात्रा पर 2 साल तक की पाबंदी लग सकती है। हालांकि ये वीडियो मैं बना चुका हूं लेकिन इसमें थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। जी हाँ, 2 साल तक की पाबंदी अगर आपने डीजीसीए एयरपोर्ट कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो। जी हाँ, एयरपोर्ट के अंदर मास्क न पहनने पर जुर्माना किया जाएगा 100%। जी हाँ, यानी मास्क द इम्पोर्टेंट, आपको उतारना ही नहीं है मास्क, मास्क लगा के रखना पड़ेगा। अगर आप हंगामा करते हो और अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश करते हो तो पैसेंजर को सीआईएसएफ, वहां पे पुलिस जो सेना खड़ी होती है, उसको सौंपा जा सकता है कि भाई इनका इलाज आप करिए। जी हाँ, वो फिर आपका इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं जो इस तरह की हरकतें करेगा। जी हाँ, ऐसे पैसेंजर का नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। नो फ्लाइट लिस्ट क्या होता है मैं बता देता हूं, उसमें आपको बैन कर दिया जाता है 6 महीने से 2 साल के लिए कि भाई ये बंदा फ्लाइट नहीं कर सकता, अब तो आप फ्लाइट नहीं कर सकते। जी हाँ, वह सीधी सी बात है, देश में कोरोना संक्रमण भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, ये वो स्थिति हो गई जो खतरनाक, 1 लाख+ रोज आंकड़े आ रहे थे ना, आज देख लीजिए आंकड़े 2 मार्च कितने आंकड़े हैं भाई, 80,000+ केस आए एक दिन में इंडिया में, तो दिक्कत तो आएगी। तय बात है हवाई सफर पे सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जी हाँ, हो सकता है इसमें आगे कोई बदलाव हो जाए। इसी को देखते हुए बता दूं, डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट को एक चिट्ठी लिख के जारी कर दिया है कि भाई आप 27 से पेश आइए, जो यात्री कहना नहीं मानते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाए। जो नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क नहीं पहनना, पहले समझाओ फिर जुर्माना कर दो। जी हाँ, फिर भी नहीं माने तो उसको सीआईएसएफ पुलिस है उसके हवाले कर दो। नो फ्लाई का ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए। जी हाँ, डीजीसीए की जो गाइडलाइन है उसमें टर्मिनल नंबर फर्स्ट से लेके आप अंदर तक कहीं पर भी जाओगे तो आपके लिए कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं, कहीं पर भी आपको चेक किया जा सकता है। जी हाँ, वहां के स्टाफ के द्वारा मास्क के लिए। जी हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट, आपको रहना पड़ेगा, कहीं पर भी टोका जा सकता है। सलाह नहीं मानने पे कड़ी कार्रवाई का नियम बना दिया भाई, कड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा लग के जेल जाना पड़ सकता है एक मास्क के पेटे। जी हाँ, फ्लाइट के अंदर आप सोचोगे यार फ्लाइट के अंदर पहुंच गए तो हमें कौन टोकेगा, सीआईएसएफ पुलिस वगैरह तो सब रह गए। जी नहीं, क्रू मेंबर होते हैं उनको भी आपका, वो अगर आपको बोल सकते हैं कि भाई आपको मास्क लगा लेना चाहिए, अगर आप उनका कहना नहीं मानते हो, यात्रियों को मास्क न पहनने पर यात्रियों को विमान से वो उतारेंगे भाई। अब आप सोचोगे कौन उतारेंगे, तो क्रू मेंबर को ये पावर दिया गया है कि वो आपको नीचे पटक सकते हैं, टिकट आपने दिया लेकिन मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना की वजह से, सुरक्षा इसमें आपकी है। अगर क्रू मेंबर की आप बात नहीं मानते, विवाद बढ़ जाता है तो यात्री का नो फ्लाई टिकट में, नो फ्लाई लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जो हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये साफ आदेश प्रत्येक इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं सबको आदेश दे दिया। जी हाँ, डीजीसीए ने बता दूं पहले 30 मार्च को जो नियम बनाया था उसमें ये बताया गया था कि भाई ये जो लोग हैं मास्क पहन के रखना होगा, क्योंकि शिकायत आई थी कि भाई यात्री लोग हैं जो अपनी अड़ियल रवैये की वजह से या फिर कैसे भी मान लो वो मास्क नहीं लगा रहे। जी हाँ, तो इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये नया कड़ा कानून बना दिया गया है। जिसको देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बरती जा रही है, हालांकि ऐसा कोई केस नहीं आया लेकिन सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर भी सेम सख्ती दिखाई जा रही है, प्रत्येक यात्री को मास्क के अंदर आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, मुंह ढक के रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो बस साथियों ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।